खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दिवाली को देखते हुए खोआ मंडी में छापेमारी की गई, जिसके संबंध में सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त गुंजन कुमार ने बताया कि दिवाली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य सामग्रियों के जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं, जो कि सदर तहसील के क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की जांच कर रही है। बुधवार को खोआ मंडी में खो की जांच की गई है, जिसमें 27 नमूना लिया गया है और आगे भी दिवाली तक कार्रवाई चलती रहेगी। हम लोगों का अधिकतर प्रयास रंगीन मिठाइयों पर है, क्योंकि अधिकतर लोग मिठाइयों में मिलावट करते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए जो खिलौना टाइप मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, उसमें रंग का मिलावट होता है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि इस तरह की मिठाइयाँ मार्केट में ना बेची जाए। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह की मिठाइयाँ जहाँ बिकती हैं, तुरंत खाद्य विभाग को सूचित करें। उन्होंने बताया कि अभी तक 3 दुकानों पर कार्रवाई की गई है, आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त कुंजन कुमार ने कहा, पानी भर थोड़ा पानी है भैया, ठंडा है, ठंडा चार लोग हैं। हाँ, चार लोग। मकान नंबर जी, ये दिवाली अभियान के मद्देनज़र 3 टीमें हमारे विभाग द्वारा बनाई गई हैं, और जो विभिन्न स्थलों पे नगर निगम क्षेत्रों में और तहसील क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इसी के मद्देनज़र दिवाली के अभियान में खोआ मंडी में आज कार्रवाई हुई है। अभी तक हम लोगों ने 17 नमूने लिए हैं और आगे भी कार्रवाई अभी चलती रहेगी। और इसमें हम लोग ज़्यादातर टारगेट कर रहे हैं कि रंगीन जो मिठाइयाँ हैं उन पर हमारी विशेष निगरानी है। वर्क लगे जैसे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे चांदी की वर्क एल्युमिनियम का लगा दिया जाता है चांदी की वर्क पे, इस पर भी हम लोग काफ़ी निगरानी की जा रही है। दूसरा, जो खील बतासे जो आते हैं, जो रंग बच्चों के खिलौने टाइप में होते हैं, वो रंगीन ना हो, इस पर भी हमारी विभाग काफ़ी कड़ी नज़र रखी हुई है, क्योंकि जो कलर होते फूड हुए कलर फूड पदार्थ जो है, ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है, और इस पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें मार्केट में ना बिके। और लोगों से हम ये भी अपील करते हैं कि इस तरह के खाद्य पदार्थ जहाँ मिल रहे हों उसको विभाग को सूचित करें, जिससे हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकें। सर, कितने दुकानों पर कार्रवाई की है? अभी हमने कम से कम 23 दुकानों पर अभी हमने कार्रवाई कराई है। 2 दिन अभी अभियान हुआ है, अभी आगे भी अभियान चलता रहेगा,
और आशा कर रहे हैं कि अभी इस बार कभी बड़ी मात्रा में हम लोग और भी कार्रवाई करेंगे। सर देखा जाता है दूध के साथ मिलावटी दूध में मिलावटी। जी क्या जैसे हमारे पूर्वांचल में जो अभी तक हम लोग जो नमूने हमारे यहाँ संकलित हुए हैं दूध में कोई विशेष मिलावट नहीं है। हाँ यहाँ पे पानी की उसमें मात्रा रहती है, फैट कम रहता है, इसके अलावा किसी प्रकार का सिंथेटिक दूध का यहाँ पे कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। और हम लोग लगातार अभी हमने 16 नमूने दूध के इसी महीने हमने लिए हैं विभिन्न दूध वालों से और ब्रांडेड कंपनियों से। तो दूध में ऐसा विशेष कोई अभी हम लोग के पास कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है आगे, लेकिन कार्रवाई इस पर हो रही है और आगे भी जारी रहेगी। दीपावली का पूर्व चीनी का मिठाई आता है जो जी भुरकी, वो जो हमने आपसे बताया कि खील बतासे वाले जो होते हैं वो रगीर जो बिक रहे हैं उस पर हमारी बहुत अच्छी वो है। हम लोगों ने इस पर विशेष एक कार्य योजना भी बनाई है कि इस तरह के जहाँ भी बिक रहे हों जो उसके साथ बिकते हैं लाई के साथ उस पर हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें ना बिके, क्योंकि उसमें रंग जो है अखाद रंग मिला दिए जाते हैं जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हित कर रहे हैं।